ये देखिए दोस्तों, झारखंड का गोभी, छोटा छोटा एकदम ताजा गोभी, और यही ले रहे हैं दोस्तों। अभी हम लोग निकल चुके हैं और ये देखिए अभी सिसाई बाजार पार कर रहे हैं। गुमला यहाँ से बस 30 किलोमीटर बचा है। या तो हम लोग देखिए रुके हुए हैं, अभी झारखंड में ही है। अभी हम खाना बनाने टाइम था तो हमको चलो रुक लेते हैं। अब तो ऐसे भी ठंडा का मौसम आ गया, बाहर में ही आदमी खाना वगैरह छाया देख करके। दोस्तों खाना अपना बन गया, चले खाने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी हम लोग तो निकल चुके हैं रायपुर के लिए। पिछला ब्लॉग में आप देखे थे ही, हम लोग आधा सफर तो मतलब गुमला वगैरह करीब पहुंचने वाला है। अभी हम लोग तो आगे चलते हैं, जाकर रुकते हैं, उसके बाद तेल डाल के अपना छत्तीसगढ़ वगैरह इन कर जाएंगे आज। और उम्मीद है कि हम लोग कल पहुँच जाएंगे वहाँ जगह पर जहाँ खाली होगा माल। तो अभी हमको अब नंबर नहीं मिला है कहाँ खाली होगा, फिर बात करके पता करेंगे कहाँ पर खाली होगा ये माल अपना। तो ठीक दोस्तों निकलते हैं यहाँ से भी। दोस्तों अभी कुछ किलोमीटर आगे आने के बाद अभी हम लोग थोड़ा रुके हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ता और जो सब्जी वगैरह लेना है सब कुछ ले लेंगे। तो पापा भी जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए और हम लोग कुछ नाश्ता कर लेंगे। दोस्तों पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद अपना सब्जी भी लिया जाएगा, ताज़ा ताज़ा सब्जी है, गोभी वगैरह सब। तो यही है दोस्तों नाश्ता दुकान। ये देखिए दोस्तों हम डुस्का लिए हैं, झारखंड का नाश्ता यही है। वो तो समोसा लिया छोटा वाला, ये हमको मिलेगा नहीं, आगे चल किसी भी कर लेते हैं। अभी दोस्तों अभी नाश्ता तो कर लिया, अब हम लोग जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। अब सोच रहे बहुत टाइम से खाना ऐसे भी नहीं बना रहे थे गाड़ी में, सब्जी कुछ खत्म हो गया सारा, तो इसीलिए थोड़ा ले लेंगे तो सही रहेगा। आज देखते हैं गुमला पंप में जाके बनाएंगे या फिर शाम में, हो सके तो शाम में भी बना सकते हैं। ये रहा दुकान। ये देखिए दोस्तों झारखंड का गोभी, छोटा छोटा एकदम ताज़ा गोभी, और यही ले रहे हैं। यहाँ सब्जी दुकान तो बहुत है लगा हुआ, सबको हरा ले एक किलो, यही सब ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश अच्छा लगता है। अभी बाद में बड़ा हो जाएगा तो बड़ा लोग अच्छा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है खाने में। फिर यही सब देखते, पालक साग भी देखिए ताज़ा ताज़ा पालक साग। सब्जी लेके आ गए दोस्तों, अब गेट खोल रहे हैं। नहीं खुल रहा, चलो चलो उधर। दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं और ये देखिए अभी सिसाई बाजार पार कर रहे हैं। गुमला यहाँ से बस 30 किलोमीटर बचा है, ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ जाके नहाइएगा। आज नहीं कल तो घर पर नहाए थे, कल छत्तीसगढ़ में अगर मौका मिला तो वही अपना जो डैम है वही नहाएंगे। दोस्तों सिसाई बाजार तो पार कर गए और सिसाई बाजार पार करने बाद यहाँ बजरंगबली का मंदिर आता है, तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फिनिशिंग है और दिन भी आज मंगलवार है, बहुत ही अच्छा। तो जय बाबा बजरंगबली माता, देखते हैं। दोस्तों अभी गुमला पंप में आ गए हैं, तो यहीं से तेल लेते हैं अपना, देख सकते हो मेरा गाड़ी खड़ा है और यही पेट्रोल पंप है। और यहाँ पर क्या है कि नहाने धोने का भी है, पानी भी भरने का है, पानी बहुत अच्छा है यहाँ पीने का, तो अभी बाल्टी में लेते हैं। दोस्तों अभी पानी भर के रख ले रहे गाड़ी में, पीने वाला पानी तो ले लिए थे फिल्टर वाला, जो बर्तन धोने के काम आएगा और खाना वाना बनाने के काम आ जाएगा ये। दोस्तों अभी दोपहर के 12 बज रहा है और हम लोग तो तेल सब लेके निश्चित हो गए, अब कुछ लेना नहीं है। कोई खास दूर बॉर्डर नहीं रह गया, यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर रह गया। तो हम लोग देखिए रुके हुए हैं, अभी झारखंड में ही है। अभी हम खाना बनाने टाइम था तो हमको चलो रुक लेते हैं। अब तो ऐसे भी ठंडा का मौसम आ गया, बाहर में ही आदमी खाना वगैरह छाया देख करके, यहाँ थोड़ा धूप भी है थोड़ा छाया भी है, तो बैठ के बना रहे हैं। बहुत अच्छा आराम लग रहा है यहाँ पे, अब देख सकते हैं पीछे मेरा पहाड़ी का लुक कितना अच्छा है। तो ये सब जगह जो है ना अच्छा लगता है हमको, तो बैठ के बनाते हैं। ऐसे भी जान रहे जनवरी आने वाला, तो लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं पिकनिक करने के लिए, तो हम लोग के लिए तो यही पिकनिक हो जाता है, डेली का पिकनिक है हम लोग का है। दोस्तों देख सकते चावल तो चढ़ा दिए हम, और आज का हमारा सब्जी जो है लिए थे गोभी, जो देखे थे आप लोग शीशे में लिए थे बहुत ताज़ा गोभी, तो वही गोभी आलू गोभी का सब्जी बनाएंगे। दोस्तों जा रहे हैं अब गाड़ी के पास, क्योंकि टमाटर वगैरह लेना था, पापा लेके नहीं आए थे, सिर्फ आलू और गोभी लेके आया था, जा रहे लाने के लिए। देख सकते गाड़ी हमारा यहीं पर खड़ा है रोड के पास।
दोस्तों देख सकते हैं मेरा गोभी भून चुका है। पहले तो अलग से भून लेते थे लेकिन इस बार गोभी ताज़ा था, इसीलिए पहले ही इसको इसके साथ में इसको कर दिए। अब ताज़ा गोभी मिलता है कोई जरूरी नहीं धोना। अब इसको आलू डालते हैं इसमें। अब आलू को भी साथ में भूनेंगे, उसके बाद मसाला उसको डाल के अपना भून लेना है। फिर दोस्तों मेरा चावल बन चुका है, देख सकते हैं वहाँ रखा हुआ है साइड में। बहुत अच्छा जगह है, साफ़ सुथरा जगह है एकदम, बहुत अच्छा। यहाँ बैठे में आनंद लग रहा है, जैसे लग रहा है खा पी के आदमी यहाँ सो भी सकता है यहाँ पे। तो खैर सोना तो नहीं, हम लोग जाना है तो दिन छोटा करता है आजकल ना, चलना पड़ता है। तो ठीक दोस्तों, ये देखिए दोस्तों मेरा आलू गोभी अच्छी तरह भून चुका है। अब चले इसे मसाला डालने के लिए। ये सब मसाला है मेरा पिसा हुआ रहता है, जीरा गोलकी है, धनिया है, हल्दी पाउडर है, मिक्स मसाला जो आता है वो भी रखे हैं उसमें, सब मसाला मिक्स है उसमें। दोस्तों ये मसाला भी डाल दिए हैं, टमाटर भी डाल दिए, नमक भी डाल दिए। अब खाली भूनने काम रह गया, अभी अच्छी तरह से भूनेंगे, उसके बाद इसमें पानी भी हल्का डलेगा। दोस्तों अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं और हमारा खाना बन गया है, तो अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए। ये देखिए अभी पापा निकाल रहे खाना। दोस्तों खाना अपना बन गया, अब चले खाने के लिए। तो पहले तो जहाँ धरती पे बनाते हैं वहाँ तो पहले दे ही देते हैं, देख ही सकते हैं। जब भी हम नीचे बनाते हैं जमीन पे तो हम धरती माँ को देते हैं। ये लीजिए सुबह का भी है। दोस्तों हमारा खाना हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। गैस वगैरह सब ले जाके रख दिया, अब इसको ले जाके रख देते हैं। दोस्तों अभी यहाँ चटाई को रख दे रहे हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा सामान रहता है उसको यहीं पे रखते हैं, जैसे चटाई हो गया, रस्सी हो गया, ये सब कुछ कुछ बोतल सब है, यहाँ पर भी काम आ जाता है। दोस्तों हम लोग खाना खा के तो निकल चुके थे, अब बस छत्तीसगढ़ पहुँचने ही वाले हैं, बॉर्डर आने ही वाला है। ये देखिए रास्ते में है और करीब 5-6 किलोमीटर के पास बॉर्डर आ जाएगा, फिर हम लोग छत्तीसगढ़ इन कर जाएंगे। दोस्तों अभी हम लोग बॉर्डर आ चुके हैं और गाड़ी भी रुकी, अभी पापा जाएंगे पास करवाने के लिए। दोस्तों अभी गेट पास पापा दे दिए, अब आ रहे हैं, अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो रात के 7 बज चुका है अभी, करीब कुनकुरी वगैरह बंदर चुहा बोलते हैं जगह, ये सब पार कर गए हैं। तो हमको लगता है हम लोग जो रामगढ़ से चले तो 300 के आसपास हम लोग सफर कर चुके अभी तक, तो देख सकते हैं रोड बन रहा है। खैर बहुत दिन से खराब था, अब काम तो इसमें हो ही रहा है, अच्छा काम हो रहा है, सीमेंटेड वाला ढलाई हो रहा है। और अभी हम लोग नीचे से चल रहे हैं तो एक चीज का फायदा हो रहा है कि अभी दिवाली का लेकर के जो गाड़ी जहाँ तहाँ खड़ा हो गया था, तो हमको रोड में गाड़ी बहुत कम मिल रहा है, और कम मिल रहा तो हमको उतना गर्दा डस्ट वगैरह ये सब अभी नहीं मिल रहा, थोड़ा बच रहे उससे। हम देख सकते हैं हमको लग रहा है कि जब से हम मतलब इस रोड को पकड़े हैं, बॉम्बे रोड को छत्तीसगढ़ घुसे हैं, तब से हमको लग रहा है 20 या 15 गाड़ी मिला होगा। दोस्तों हम गाड़ी वाला के साथ ऐसा है कि हम लोग दिवाली और होली दो टाइम ऐसा होता है कि अगर लोड करके खड़ा कर दो उसके बाद एक दिन लेट निकलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आदमी फिर चलते रहता रोड जहाँ तक मंजिल तक जाते जाते फिर मार्केट खुल जाता है। और अगर आप खाली उली करके खड़ा रखिएगा तो उसके बाद थोड़ा माल का पोजीशन खराब हो जाता है, मान लो मजदूर नहीं आया तो बाबू नहीं आया, इस टाइप का होता है ये, मतलब होली और ये दिवाली में ये चीज़। अच्छा बहुत सा जगह ऐसा होता है कि नया काम भी, जब नया साल मनाते हैं 1 जनवरी को, वैसे नया काम दिवाली से भी चालू होता है, पुराना काम खत्म और नया लेन देन चालू, तो उसके लेकर के भी थोड़ा हिसाब उसाब में हो जाता है। तो देखिए अभी रोड पे एक भी गाड़ी नहीं मिल रहा, अभी हम ही चल रहे अकेला, तो अपना लोड गाड़ी खड़ा था, त्योहार मना लिए निकल गए। दोस्तों अभी रात के 10 बज चुके हैं और हम लोग अभी पत्थल गांव पार करने के बाद ये होटल में आ गए हैं, अब यहीं पे हम लोग रात में रुकेंगे। पत्थल गांव और धनंजयगढ़ के बीच में ये होटल है, तो रात में भर यहीं रुकेंगे, फिर सुबह यहाँ से निकलेंगे। होटल में तो आ चुके दोस्तों अभी, फूलगोभी आलू है, मिक्सर सब्जी, चना मसाला, राहर दाल, अंडा, मछली मिलता है। दोस्तों हमारा खाना आ गया है, सागर का सेव भाजी है और हम लोग का आलू गोभी का भुजिया है, और ये थोड़ा सा देखें दिवाली का मिठाई मिला है होटल में। तो हमेशा हम लोग रुकते हैं तो गाड़ी वाला के साथ में ऐसा होता है कि हम लोग हमेशा रुकते हैं तो सब ड्राइवर को देता है, तो हम आए लेट से, तो देखिए हमको मिला है। तो ठीक है चले खाने के लिए अभी।
दोस्तों खाना तो हो गया, बहुत ही अच्छा खाना खाया है। और हरवर आकर रुकते हैं राहुल ढाबा में, देख सकते हैं। और यहाँ बस वगैरह भी रुकता है जो रायपुर रांची से चलता है, जसपुर से रायपुर के लिए, राजनांदगांव के लिए सामने बस भी खड़ा है। तब आया हुआ पसीजर साहब, जगह भी बढ़िया है। चलिए बताइए कितना मेरा बिल वगैरह कितना हुआ बता दीजिए। दोस्तों अब जा रहे सोने के लिए। अब यहाँ से क्या ना कि घाट स्टार्ट हो जाता है, सुबह सुबह उठेंगे यहाँ से और फिर निकल जाएंगे यहाँ से, घाट वगैरह पार करेंगे। थोड़ा खराब रोड भी है, खरसिया तक तो खराब मिलता ही है गर्दा वगैरह, लेकिन गाड़ी अभी कम चल रहा है, नहीं है उतना तो उतना गर्दा वगैरह नहीं लग रहा है अभी हम लोग को। और ऐसे भी हम लोग जो है कि सेठ को बोल चुके हैं, त्यौहार वगैरह सब खत्म हो गया तो उनको बोले थे, तो बोले थे वो भी कि दिवाली के बाद जो है मार्केट उधर का खुल जाता है तो भेजेंगे महाराष्ट्र तरफ। तो देखिए जाते हैं यहाँ से खाली करने के बाद, रायपुर में ही खाली करेंगे। और इस बार तो खैर 99% है कि उधर कहीं जाना है हम लोगों को, साउथ तरफ या महाराष्ट्र तरफ या गुजरात तरफ। इस रूट में तो लगातार अभी चली लिए थे। तो ठीक है दोस्तों, अभी जा रहे सोने के लिए, यहाँ से सुबह उठेंगे 4 बजे, अपना भी निकल जाएंगे। तो अगर नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ का, रायपुर का भी, कल तो हम रायपुर पहुंच ही जाएंगे किसी इसी टाइम में भी, रात में पहुंचेंगे। तो फिर इधर रुक के सोना होगा, सुबह से पहुंचेंगे। और पार्टी से लोकेशन भी लेना है कि कहाँ पे फैक्ट्री ऐसा करके, वो भी देगा अभी। इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।